nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health and welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आम के पने की रेसिपी. बहुत रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किए थे 5 लोकल ट्रेडिशनल होममेड ड्रिंक्स टू स्टे कूल इन समर्स. और उस वीडियो में मेरे पास बहुत से लोगों ने सवाल किया कि आप प्लीज अपने चैनल पे हमें बताइए कि आम पना किस प्रकार से बना सकते हैं. तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ. तो हमने कच्चे आम लिए हैं, इनको मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी देके उबाला है. ये प्रेशर कुकर में अच्छे से वो जैसे बॉयल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने इनको बाहर निकाल के कूल कर लिया है. अब मैं इन आम को छीलने वाली हूँ, इनका छिलका हटा के. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द पल्प एंड ट्रांसफर द पल्प इनटू अ बोल. आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं, कितनी इजीली इनका छिलका उतर रहा है और अंदर का जो पल्प है ये बाहर आसानी से आ रहा है. कच्चे आम का सीजन है, कच्चे आम की कैरी, कच्चा आम आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में. एंड पना जो होता है, जैसा कि ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक तो है ही, इसको एक मेडिसिनल टॉनिक भी माना जाता है क्योंकि ये गर्मियों में हमारी बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाता है, हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर, विटामिन बी, विटामिन ए देता है और हमें हमारी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है. और जब लू लगने के चांसेस होते हैं तब ये हमें लू नहीं लगाता, हमारी बॉडी को अंदर से कूल रखता है, ठंडा रखता है. तो ये सारा पल्प, ये गुठली समेत जो पल्प है, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोल में ट्रांसफर कर लिया है. अब मैं इसमें ठंडा पानी मिलाने वाली हूँ और इसको मैश करने वाली हूँ ताकि इसकी गुठली एकदम अलग हो जाए. देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो रही है. करने से पहले मेक श्योर दैट इट इज स्लाइटली इट हैज कूल डाउन. ये थोड़ा अभी भी गर्म है. ये देखिए इसका गुठली बिल्कुल अलग हो गया है. इट्स बेस्ट डन विद हैंड्स. सो इसीलिए इसमें कोई और किसी टूल की या किसी चीज की जरूरत नहीं है. आप इसको आराम से पानी में, पानी के साथ इसका सारा पल्प ले सकते हैं अपने बोल में. उसी तरीके से इसके छिलके में भी काफी पल्प है अभी, तो वो भी हम चाकू या किसी भी चम्मच की मदद से इस बोल में निकाल सकते हैं. तो हमारा सारा पल्प हमारे इस बोल में आ चुका है और अब हम इस रेसिपी यानी आम पना को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं. ये है काला नमक. काला नमक जो होता है ब्लोटिंग, एसिडिटी में बहुत फायदेमंद होता है. उसी के साथ साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है. तो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग जिनको कॉमन सॉल्ट यूज करने के लिए मना किया जाता है, वो आराम से अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी के साथ साथ काला नमक जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है. आप स्वाद अनुसार इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए. लाल मिर्च, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इज अ मेटाबॉलिज्म किक स्टार्टर. तीसरी चीज जो मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है भुना पिसा जीरा. जीरा जो है इट प्रमोट्स डाइजेशन. गर्मियों में जब हमारा थोड़ा डाइजेशन स्लगिश हो जाता है, हमें इनडाइजेशन की वजह से ब्लोटिंग, एसिडिटी होने लगती है, वहीं ये जीरा जो है जब हम इसको अपने रेसिपीज में यूज करते हैं ये प्रमोट करता है गुड डाइजेशन. ये आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है. तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, वो भुना पिसा जीरा अपने अलग अलग रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है ये. उसी के साथ साथ जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए ये गैलेक्टोगॉग है, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन इम्प्रूव करता है.
जीरा जो कि आजकल जैसे कि हम कोरोना वायरस के दौर से गुजर रहे हैं, तो ना सिर्फ ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस जमा हो जाता है, जो फ्लेम जमा हो जाता है, उसको ये हटाने में टू इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ द म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस समय ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ मिंट। मिंट यानी कि पुदीना। मुझे ये घर का पुदीना है जो हमने स्टोर करके ड्राई करके रखा हुआ है। तो मिंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कूलेंट होता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS को ट्रीट करने में ये बहुत फायदेमंद है। इसका मीठापन लाने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ शक्कर। शक्कर जो है इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक एंड सेलीनियम। अगेन दीज आर टू मिनरल्स जो आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसी के साथ साथ ये हमारे लिवर को क्लेंस करती है। सो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में शक्कर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। आप इसकी जगह पिंक हिमालयन सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू फ्लेवर द पन्ना। अब हम ये सभी सामान जो है, ये जो हमारा पल्प है, इसको लेकर हम एक ब्लेंडर या मिक्सी में डालेंगे। इसको हमने ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसमें ये सभी फ्लेवरिंग और नरिशिंग जो आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डालने वाले हैं। तो मैं इतने पल्प में इस्तेमाल करने वाली हूँ करीब 1 टीस्पून ऑफ काला नमक। उसी के साथ जस्ट अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और स्पेशली मेरी बेटी जो है वो कोई भी चीज़ मिर्च की होती है तो वो खाती नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि आम पना इज अ वेरी वेरी नरिशिंग ड्रिंक स्पेशली फॉर द किड्स। तो क्योंकि जब उन्हीं के लिए बन रहा है और वो ही ना खा पाए तो सही नहीं है। उसी के साथ 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा और 180 का जो मेजरमेंट का कप आता है उतना मैं इसमें गुड़ शक्कर के 2 कप्स डालने वाली हूं। ये अगर आप सोच रहे हैं कि शक्कर बहुत ज्यादा है एंड दिस इज वेरी हाई ऑन कैलोरीज, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये पूरा जो है एक कॉन्सेंट्रेट तैयार हो रहा है और इसको अभी हम डाइल्यूट करेंगे तो पर ग्लास जो क्वांटिटी आएगी उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा काफी कम होने वाली है। तो मिंट जो कि मैंने पहले बताया आपको, घर की सूखी हुई ऑर्गेनिक मिंट है ये भी मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने ब्लेंड कर लिया है और देखिए ब्लेंड होने के बाद ये किस प्रकार से स्मूथ और शक्कर की वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश है। अगर आप चाहें और इसमें फ्रेश आप मिंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप शक्कर की जगह अगर चीनी या देसी खांड का इस्तेमाल करना चाहें, इट्स एंटायरली अप टू यू। सो आई वॉन्टेड टू ऐड शक्कर, सो दिस इज हाउ इट इज नाउ। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कॉन्सेंट्रेट है, हम इसको डाइल्यूट करने वाले हैं क्योंकि ये अभी काफी गाढ़ा है। तो आपको याद होगा हमने प्रेशर कुकर में इसको जो मैंगोस थे उनको उबाला था और प्रेशर कुकर में उसका जो पानी बचा था वो हमने डिस्कार्ड नहीं किया था। वही पानी अब हम इसमें मिक्स करने वाले हैं क्योंकि जब हमने इसमें मैंगोस उबाले थे तो काफी मैंगो के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस पानी में आ गए थे। सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कार्डिंग द वाटर एंड वेस्टिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो इसको अब हम डाइल्यूट कर रहे हैं। और एक बारी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि लम्ब्स ना रह जाएं। आप चाहें तो एक बारी और पानी मिलाकर भी आप इसको मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं। हमारा आम पना बन के तैयार है। ये देखिए ये कितना स्मूथ
और जायकेदार दिख रहा है। इसमें क्योंकि मैंने शक्कर इस्तेमाल की है इसीलिए इसका कलर जो है इस तरीके का आया है। लास्ट टाइम मैंने शक्कर इस्तेमाल नहीं की थी तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर ऑफ द मिंट एंड आम पन्ना वॉज इंटैक्ट। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं, चाहे आप शक्कर इस्तेमाल करें चाहे आप देसी खांड इस्तेमाल करें। इसमें दोनों में ही आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलेगा कच्चे आम का, उसी के साथ साथ विटामिन ए मिलेगा भरपूर मात्रा में, विटामिन B1, B2, B6 मिलेंगे और उसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। सो दिस समर एंजॉय द लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक आम पना एंड स्टे हेल्दी। फ्रॉम माई किचन टू योर्स, लॉट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस।